गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफी गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल वाले बच्चों का एग्जाम ड्यू टू कोरोना वायरस नहीं हो पाया था, तो उन सभी बच्चों को, काफी सारे बच्चों को आपके रिजल्ट में SYC और SYCT दे दी गई थी। तो आप लोग, काफी सारे बच्चों ने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था। ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था जिनके रिजल्ट में SYC SYCT आ चुकी थी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जिन बच्चों ने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का एग्जाम दे दिया है उनका रिजल्ट कब आएगा। काफी सारे बच्चों के मन में ये टेंशन आ चुका है कि हमने ODE का तो एग्जाम दे दिया है। जैसे कि आप लोग को समझना होगा, मैंने काफी सारे बच्चों से बात की, काफी सारे बच्चों का जो एग्जाम का जो इस बार पैटर्न था ना, काफी हार्ड था। जैसा कि आप लोग को पता है, कोरोना वायरस की वजह से बच्चे वैसे ही उतने पढ़ नहीं पाए हैं और बच्चों का एग्जाम भी हार्ड लिया जा रहा है NIOS में। जैसा कि आपको पता होगा कि CBSE बोर्ड ने अपने बच्चों का जो सिलेबस है 30% तक रिड्यूस कर दिया, यानी कि 30% सिलेबस बच्चों को इस बार कम पढ़ना है। जबकि NIOS बोर्ड में ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बच्चों को बोला आपको 100% सिलेबस पढ़ना होगा। और इस साल जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से बच्चे अपने ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट जा पाए, ना ही कहीं क्लासेस ले पाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि NIOS में तो क्लास पता ही कैसी होती है, बच्चे क्लास लेते भी है तो हफ्ते में एक दिन दो दिन अपने स्टडी सेंटर पे जाते हैं, और आधे से ज्यादा तो बच्चे ऐसे कि अपने स्टडी सेंटर पर ही नहीं जाते और पढ़ाई भी नहीं होती है वहाँ पे स्टडी सेंटर पे, तो बच्चे जाकर भी क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, ना ही आपका यहाँ पे आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है जबकि CBSE का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ऑन डिमांड का आपका एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। जिस तारीख से आपको आपने एग्जाम दिया होगा, जिस तारीख पे भी, लगभग आपके 30 से 40 दिन के बाद आपके रिजल्ट आ जाते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम देने के 30 से 40 दिन के अंदर आपके जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन इस बार शायद प्रोबेबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट थोड़ा जल्दी डिक्लेयर हो, क्योंकि आपको वैसा ही पता है कि साल खींच चुका है, कुछ ही महीनों के अंदर आपका साल खत्म हो जाएगा। अक्टूबर वाले बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अक्टूबर वाले बच्चे अभी तक एग्जाम नहीं दिए, जबकि अक्टूबर महीना खत्म होने को एंड होने के है, लेकिन अक्टूबर वाले बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। अक्टूबर वाले बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा, और ना ही जो ऑन डिमांड वाले बच्चे हैं, एक तो उनका सेंटर पड़ रहा है, काफी बच्चों का रीजनल सेंटर पड़ता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ऑन डिमांड का जो एग्जाम सेंटर पड़ता है काफी दूर पड़ता है, बच्चे अपने घर से दूर इतने दूर दूर सेंटर पे पड़ता है, वहां पे बच्चे अपने एग्जाम दिए हैं, और लगभग आपके 40 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसी आशंका है कि आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो। एक बात तो ये थी, दूसरी बात ये है, जिन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है वो बच्चे अब अपने मार्कशीट को ले सकते हैं। सिंपली आपको कहा जाना होगा रीजनल सेंटर, या फिर आप कहा जा सकते हो रीजनल सेंटर जाइए, या फिर आप अपने स्टडी सेंटर जाइए। आप स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर जाकर अपने मार्कशीट को आप ले सकते हो। काफ़ी बच्चों की मार्कशीट आ चुकी है, हमने जाके पता किया, काफ़ी सारे रीजनल सेंटर वालों से पता किया, काफ़ी सारे स्टडी सेंटर वालों से हमने पता किया, बच्चों की मार्कशीट उनके स्टडी सेंटर पे भी अब आ चुकी है। आप एक बार जाके पता कीजिए, काफ़ी सारे बच्चों ने ले भी लिया है। इवन यदि वो कहते हैं कि 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपको जरूर इस मंथ के अंदर या इस मंथ के एंड तक आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी, या फिर आपके स्टडी सेंटर पे अपनी मार्कशीट आ चुकी है। आप अपनी ID प्रूफ लेके जाइए, आपको ID प्रूफ में आपको आधार कार्ड ले जाना होगा, आपको आधार कार्ड और आपको NIOS की जो वैलिड ID कार्ड, ये आपको ले जाके आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। जिन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, जो बच्चे अपने रिजल्ट में पास हो गए थे, उन लोगों की सर्टिफिकेट अब आ चुके हैं, तो वो बच्चे अपने स्टडी सेंटर पे जाके ले सकते हैं। और जिन बच्चों का ऑन डिमांड का एग्जाम था, वो 40 दिन के बाद लगभग उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसी आशंका है कि उनका रिजल्ट थोड़ा पहले डिक्लेयर हो जाए। और बात करते हैं, आप लोग के लिए एक थोड़ी बहुत गुड न्यूज़ ये भी है कि आपका जो इग्नू का जो आपका लास्ट डेट है एडमिशन का, जैसे कि आपको पता है कि इग्नू एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, काफी सारी डिग्रीज देती है, तो इग्नू की जो लास्ट डेट है एडमिशन करवाने की 31st आपकी अक्टूबर कर दी गई है। जैसा कि पता है काफी सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर इतना लेट हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि 31 जुलाई के बाद बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया था NIOS वाले बच्चों का, तो उसके बाद भी काफी सारे डेट एक्सटेंड हुआ, और मैंने कहा भी था आपको कि यूनिवर्सिटीज अपने डेट को एक्सटेंड करेगी। तो इग्नू की जो डेट है 31 अक्टूबर हो चुकी है, और आपको पता होगा DUSOL की जो अभी एडमिशन है अभी चल रही है, आप DUSOL में भी आप एडमिशन करवा सकते हो, या इग्नू में भी आप एडमिशन को करवा सकते हो। सिंपली आप कह सकते हो ओपन लर्निंग करना हो आपको, तो अभी आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। और जिन बच्चों ने अभी तक
एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो जरूर कर दे, शायद 31 अक्टूबर के बाद आपका डेट एक्सटेंड ना हो तो उसके बाद आप वंचित रह जाओ। जो बच्चे भी अभी तक एक्सटेंड अपने एडमिशन को नहीं करवाए तो प्लीज वेबसाइट पे या पोर्टल पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने अपने एडमिशन को जरूर कराए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ओडी के बारे में डिस्कस कर लिया, और सबसे बड़ी बात यह है यदि किसी बच्चों को किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है एनआईओएस के रिलेटेड तो इस वाले दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके अपनी डिटेल्स को जान सकते हैं। मैं पहले ही आपको कह दूं ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल आपका शायद पिकअप ना हो तो आप इस पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा। मैसेज करने के बाद आपकी क्वेरीज को सॉल्व की जाएगी। सिंपली आपको टेक्स्ट करके आपको आपका नाम सेंड करना है। नाम सेंड करने के बाद आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं एनआईओएस के रिलेटेड, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आपको नाम सेंड करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को भेज देना, हमारी टीम आपसे जरूर जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। तो यही सब था इस वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी क्योंकि वीडियो में हमने काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया। एक बार हम रिकैप मान लेते हैं, हमने ये जाना कि ओडी वाले बच्चों का एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा। सिंपली हमने ये जाना कि जो अपने बच्चे जिनका मार्कशीट जिनके रिजल्ट आ चुका है, जिन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है वो अपने सर्टिफिकेट को कैसे ले, और काफी सारे बच्चों का यहां पे दुख की बात यह है कि एनआईओएस के बच्चों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं किया गया। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले किसी एक नई वीडियो में। अब हम डेली के डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिनों पे आपको अपडेट देते रहेंगे, और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पे आती है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार दिखाइए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके पास हमेशा पहले ना पहले पहुंचते ही जाएगा। और रिलेटेड आप बेल नोटिफिकेशन दबा लेने से आपके पास ये होगा कि जो भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर।